अच्छा तो लग रहा है ना, कुछ ज्यादा ही नहीं नहीं यार, मैं भी फेयरवेल तो सब ऐसे ही पहनते हैं, अच्छा लग रहा है ड्रेस, बहुत अच्छा। मैं हेयर और मेकअप भी कर लेती हूँ। रेडी हो गई, अभी जल्दी निकलती हूँ नहीं तो भैया बहुत डांटेंगे। अच्छी लग रही हो फिर से। नया रास्ता, कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे। और हाँ, थैंक यू भैया, मैं रेडी हो गई। सर मुहैया तमीज सब खोल के पी गई हो क्या? हाँ भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो? इन कपड़ों में कॉलेज जाओगी? इन कपड़ों में क्या चाहती हो कि लड़के तुम्हें घूर घूर के देखे और छेड़े? नहीं नहीं भैया, वो फेयरवेल पार्टी थी ना, तो सब लोग तैयार होके ऐसे जाते हैं। जाके कपड़े चेंज करो, नहीं तो मेरा पारा चढ़ गया ना तो यही फेयरवेल पार्टी करवा दूं। जानती हो ना मुझे? हाँ जानती हो, जाओ जाके चेंज करके आओ। भैया मैं रेडी हूँ। अब ठीक लग रहा है, अब लग रहा है कि तुम कॉलेज जा रही हो। और हाँ, अगली बार से मुझसे बहस मत करना, नहीं तो तुम जानती हो ना मुझे। चलो अब लेट हो रहा है। सुनो, ज्यादा एंजॉय करने की जरूरत नहीं है, समझे? मुझे सब पता है कि फेयरवेल पार्टी में क्या होता है। और हाँ, लड़कों से दूर रहना, और ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है, 1 घंटे में मैं आता हूँ लेकर जाऊंगा, समझे? पीछे के रास्ते से? कोई बात नहीं, हम आगे के रास्ते से आ जाएंगे। थैंक यू, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। घबराई क्यों हो? कुछ कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ इसे? जा रही है मैडम, क्या लगा आपको कि आप पीछे चली जाएंगी और हमें मालूम नहीं चलेगा? आप अभिषेक का पहला प्यार, ऐसे कैसे जाने देंगे आप? हैं? आज तो आपसे हाँ सुन के नहीं, नहीं नहीं, हाँ तो आपको बोलना ही पड़ेगा। आप हटिए, मुझे घर जाना है। Thank you.
अरे आपको घर ले जाने ही आए हैं। आप भी हैं कि रोज अकेले अकेले चली जाती है। एक बार आप हमारे गाड़ी में बैठ जाइए, कसम से पूरा शहर घुमा देंगे। आप भी ना बहुत जिद्दी हैं। अरे छेड़ थोड़ी ना रहे हैं आपको, हम इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं है? और आप है कि हमें घास नहीं डाल रही हैं। वैसे आप जो है ना इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। आज फिर भाग गई, बिगड़ गई है। कोई बात नहीं, कल समझा दे। हेलो। हाँ आयु, तू पहुंच गई? हाँ पहुंच तो गई, लेकिन वो लड़का आज भी मेरे को मिल गया। क्या बात कर रही है, आज तो तू पीछे के रास्ते से गई थी। वही ना, मुझे भी समझ नहीं आया, उसको हर टाइम कैसे पता चल जाता है मैं कहाँ से जा रही हूँ। मुझे लगता है मुझे मम्मी को बताना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, तू ऐसा सोचना भी नहीं, मम्मा ये सब सुनेंगी ना तो तुझे उल्टा डांटेंगी और तेरा कॉलेज आना बंद करा देंगी। ट्रस्ट मी, ऐसा ही होता है। तो फिर क्या करूं मैं? तू मेरी मान तो एक बार उस लड़के से मिली ले ना, इतने दिनों से तेरे पीछे पड़ा है, क्या पता बंदा अच्छा हो। नहीं तो कहां मिलते हैं ऐसे लोग जो एक ही लड़की के पीछे इतने टाइम से पड़े हों। यार तू मेरा फ्रेंड हो के ऐसा क्यों कह रहा है? तेरा फ्रेंड हूँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ। नहीं यार, मैं कॉलेज ये सब करने थोड़ी जाती हूँ, मुझे बस कॉलेज पढ़ के फिर घर पहुँचना है सेफली। यार मैं ना कल दूसरे रास्ते से चली जाऊंगी। दूसरे रास्ते से? किस रास्ते से? सब रास्ते तो अभिषेक ने देख रखे है ना। मैं ना कल वो डी नगर के पीछे वाले रास्ते से चली जाऊंगी। अच्छा चल, मुझे कुछ काम आ गया, मैं तेरे को बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ बाय। अच्छा ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ पैसे मिल जाएंगे हर बार की तरह। कितना भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। सॉरी भैया, गलती हो गई, सॉरी, मरना मत भैया, सॉरी। कोई बात नहीं है ना, जाके खाना खाओ। ठीक है भैया। अनु। हाँ भैया। फोन। सुनो। हाँ भैया। अच्छे से जाना। ठीक है भैया। बाय बाय। ओके ठीक है, जाओ। नहीं दिख रहा है वो। उसकी गाड़ी तो यही है। स्माइल तो कर दिया करो, आप कहा इतना डरती है हमसे। चलिए
अच्छा बताइए आज कैसा लग रहा हूँ मैं, हैं? देखिए अगर आप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे तो मैं नहीं तो क्या तो मैं आपका ऐसा हश्र करूंगी कि किसी और लड़की को देखने लायक नहीं बचोगे। कौन करेगा बुरा हश्र, तुम या तुम्हारी मम्मी? तुम्हारे पापा तो दूसरे शहर रहते हैं और तुम्हारा बड़ा भाई भी कोई नहीं। मुझे सब कुछ मालूम है तुम्हारे बारे में, मुझे तुम्हारे घर का पता मालूम है। आज से अभी से इसी वक्त से ना किसी गली में ना किसी मोहल्ले में ना किसी चौक में ना किसी चौराहे में, आज से मैं आऊंगा तुम्हारे घर के बाहर पिकअप करने तुम्हारे कॉलेज के लिए। अभिषेक, क्रिश को कैसे पता उसका नाम अभिषेक है? बिजी दिखा रहा है। हाँ अभिषेक भैया, वो कल टीएन नगर वाला रास्ता, भैया कल मेरे पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू भैया। आप भैया आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मुझे माफ कर दो अनु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने डांट डांट कर मेरी बहन को पर्दे पे रखा और दूसरी लड़कियों को बुरी नज़र से देखा। मुझे लगा कि उस लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन देखो पुलिस ने मुझे कितना मारा, और सही किया। मेरे जैसे लोगों के साथ आखिर ऐसा ही होना चाहिए, जो ये याद तो रखते हैं कि उनकी बहन बेटी या सेफ है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि बाहर की लड़कियां भी किसी की बहन बेटी हैं। अरे उन्हें सेफ फील कराना आखिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी गलत नजरों को आज सही दिशा मिली, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें भी डरा धमका के रखा, अपनी मनमानी की और तुम्हारी कभी नहीं सुनी। मैं सोचता था जैसे मैं दूसरी लड़कियों को बुरी नजर से देखता हूँ वैसे ही सब लड़के तुम्हें भी बुरी नजर से देखते हैं, लेकिन मैं गलत था। सब ऐसे नहीं होते। मैं तुमसे वादा करता हूँ आज से सुधर के दिखाऊंगा, और तुम्हें भी मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। आयु ने जो किया वो बहुत सही किया, वो बहुत हिम्मत का काम किया। इससे ये साबित होता है कि लड़कियाँ कमजोर नहीं होती, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तुम्हें भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। So sorry, Anu. मुझे यकीन है भैया कि आप ना अच्छे आदमी बन पाओगे।
बहुत अच्छा लगता है घर की लड़कियों को जब उनके घर के लड़के ना जितना रिस्पेक्ट वो उनको देते हैं उतना रिस्पेक्ट बाहर की भी लड़कियों को दें। भैया मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली आप समझ गए। अच्छा भैया अभी आप पानी पियो, मैं फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। अगर हर भाई अपनी बहन की तरह बाकी लड़कियों को देखे तो लड़कियां आधी रात को भी घर से बाहर निकलने से डरेंगी नहीं। एंड गाइस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब।